अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रखो मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। अरे नोबिता शिनचैन चॉप। ए भाई साहब क्या हो गया बे कलुए? अरे यार चॉप, आज भाई साहब यहाँ पे हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है इतने सालों के बाद। ए भाई साहब कौन है बे, थॉमस क्या? अरे थॉमस नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब माइकल? अरे नहीं यार। तो भाई साहब टेवर? अरे बिल्कुल नहीं यार। बता यार। तो पे तेरा डड्डी? वो तो भाई साहब मरे हुए यहाँ पर 20 साल हो गए यार, कैसा बात करता है वो, कैसे आएगा? ए भाई साहब तो कौन आएगा? अरे यार नोबिता बताओ। अरे मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कैसे बताऊ? आज मेरा यहाँ पर भाई आएगा। ए भाई साहब मतलब तेरा भाई मतलब वो? अरे हाँ वो। ए भाई साहब तो फिर मेरा तो घर में रहना मुश्किल हो गया बे। अरे यार वो अभी वैसा नहीं है यार, वो अभी पूरा चेंज हो चुका है। अरे यार आपका भाई भी है? अरे हाँ मेरा भाई भी है, और वो बिल्कुल मेरे टाइप का ही दिखने में है। अरे क्या? अरे हाँ यार वो बिल्कुल मेरे टाइप का ही दिखने में है यार, मैं सही बोल रहा हूँ। अरे मतलब मैं तो आज पहन रहा हूँ ये सब। भाई साहब नोबिता ये फ्रैंकलिन तो फिर भी ठीक है, चल यार इसका भाई। भाई साहब यहाँ पे इतना ज्यादा शैतान, इतना ज्यादा बदमाश है कि क्या बताऊँ। अरे यार वो भाई साहब बाहर पढ़ाई लिखाई करने गया था यार इसी काम के लिए, और वो भी पूरा चेंज हो चुका है। ये भाई साहब घंटा चेंज हुआ है कल, ये कुछ नहीं होता ऐसा। अरे छोड़ो यार शिनचैन कहाँ पर है? अरे शिनचैन तो घर के अंदर है। अरे शिनचैन कहाँ हो? शिनचैन अरे क्या कर रहा है भाई साहब शिनचैन? अरे फ्रैंकलिन भैया आओ आओ। अरे भाई साहब क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं बस देख रहा हूँ कि यहाँ पे सभी नोट ठीक ठाक है ना। अरे भाई साहब मैं भाई साहब हर दिन देखता हूँ कि तू यहाँ पे हर दिन नोटों का यहाँ पर जांच पड़ताल करता है, क्यों यार? अरे फ्रैंकलिन भैया क्योंकि ये पैसा आपका है, और फ्रैंकलिन भैया ये पैसा आपने मेहनत से कमाया है यार, इसीलिए मैं यहाँ पे हर दिन देखता हूँ कि एक भी पैसा यहाँ पे चोरी ना हो जाए। अरे मेरे भाई यार तू भी ना, चल आ जा। अरे कहाँ पर? आज भाई साहब एक खास मेहमान आने वाला है। अरे कौन? सिजू का दीदी? अरे नहीं यार मेरा कोई नहीं है, ये तो फ्रैंकलिन भैया का भाई है। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया का भाई? अरे हाँ भाई साहब मेरा भाई आने वाला है, चलो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आपका भाई कब से हो गया? अरे यार वो एक बहुत लंबा कहानी है यार। अरे लेकिन आपका भाई का नाम क्या है फ्रैंकलिन भैया? अरे यार उसका नाम है क्रिस्टोफर। अरे क्या क्रिस्टोफर? अरे हाँ यार चलो आ जाओ। ए भाई साहब क्रिस्टोफर को मत लेके आवे कलुए, मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ। चौप यार मैं बोल रहा हूँ ना, वो पहले की तरह नहीं है यार। मैं भाई साहब तुमको ये वादा करता हूँ, ये भाई साहब अभी कुछ नहीं होने वाला है, चलो आ जाओ। अरे हाँ ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ओके चलो। भाई साहब मेरा भाई यहाँ पर फ्लाइट में भाई साहब लैंड करने वाला होगा लॉस सैंटोस में। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आपका भाई क्या आप ही की तरह बदमाश है? अरे यार तुम सभी लोग भाई साहब बदमाश बदमाश क्यों बोल रहे हो यार, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो यहाँ पे विदेश गया था पढ़ने के लिए। अरे क्या? अरे हाँ, और आप देखो यहाँ पे, आप तो यहाँ पे चोरी करके अपना दिन चलाते हो। अरे यार वो तो भाई साहब मेरा यहाँ पर पैशन है यार। अरे इसको पैशन नहीं बोलते, इसको बोलते क्या पता है? अरे क्या? इसको बोलते कि आप यहाँ पे काम चोरो, आपको काम करना यहाँ पे पसंद नहीं। चोरी भी एक काम है ठीक है शिनचैन, जो सबके बस का बात नहीं है। अरे यार ठीक है चलो, ओके दोस्तों। तो फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि क्या आपका भी कोई यहाँ पे भाई है, और अगर आपका भाई है या फिर बहन है तो फिर उसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करो। और यार शिनचैन ज्यादा शैतानी मत करना उसके सामने। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मुझे लगता है कि आपका भाई आपसे अच्छा होगा। वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज उसका ना बहुत एटीट्यूड है, तो फिर थोड़ा सा संभाल के। अरे यार एटीट्यूड गया तेल लेने। बिल्कुल वो देखो लॉस सैंटोस से फ्लाइट जो लैंड कर रहा है, अरे उसी फ्लाइट में है, चलो चलो चलो। अरे हाँ चलो उड़ के। अरे उड़ के नहीं भाई साहब भाग के, ओके लेट्स गो। ठीक है भाई साहब लो एयरपोर्ट के अंदर हम लोग आ गए हैं, और देखो भाई साहब वो एक प्लेन यहाँ पर लैंड हुआ। अरे लगता है भाई साहब उसी प्लेन के अंदर है। क्या हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे अलाउ करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा? अरे नहीं यार वो प्लेन नहीं है यार, वो तो जा रहा है। अरे हाँ तो फिर कौन सा प्लेन है? पता नहीं यार कौन सा प्लेन है। अरे भाई साहब ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, कौन सा है दिन? अरे यार यहाँ पर भी नहीं है भाई साहब, तो कहाँ जा सकता है? अरे पीछे एक प्लेन छूट गया उस पे चलो। ठीक है यार चलो। अरे यार मुझे लगता है कि पुलिस वाला हम लोग को पकड़ लेगा। अरे नहीं यार मेरे पास VIP एक्सेस है कोई। अरे वो रहा भाई साहब यार क्रिस्टोफर। अरे यार मिल गया चलो। अरे ये तो बिल्कुल आपका कार्बन कॉपी है। बिल्कुल यार।
अरे क्रिस्टोफर, अरे भाई आप इतना लेट क्यों आए? हाँ अरे यार क्रिस्टोफर यार, मैं भाई से यहाँ पे तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे यार कोई नहीं, ये नन्नू पन्नू सा कौन है? अरे यार इससे मिलो, ये है नोबिता और ये है शिनचैन मेरे भाई। अरे मैंने सोचा कि आपका भाई सब मैं हूँ, लेकिन आपने 4-5 सालों में यहाँ पे और 2-3 भाई बना लिए। यार सच में यार, ए नन्नू बन्नू, अरे फ्रैंकली मैं ये कैसा बिहेवियर है यार? अरे सॉरी यार, यहाँ पे मैंने कहा था ना मेरा भाई थोड़ा सा यहाँ पे हटके है। अरे हाँ मुझे पता है। अरे यार लेकिन इसका बिहेवियर बहुत खराब है। चुप कर जाओ भाई साहब। ए भैया क्या बोल रहा है? अरे वो बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं, चलो चलो आ जाओ गाड़ी में चलो। अरे क्या आप भाई भाई खटारा सा घर में रहते हो? अरे खटारा घर मतलब? अरे मजाक था। अरे यार वो खटारा घर फ्रैंकलिन भैया की पापा ने बहुत मुश्किल से बनाया था। अरे फ्रैंकलिन भैया की पापा मतलब मेरा पापा, ये बात मत भूलना कि मैं यहाँ पे उसका असली भाई हूँ, तुम नहीं। अरे यार क्रिस्टोफर कैसा बात कर रहे हो? ये भी मेरा शिनचैन है भाई साहब, ये भी मेरा भाई है। अरे होगा कहीं का भाई यार, छोड़ो चलो मुझे भूख लगा है भाई, मुझे खाना है। ओके ये लो। अरे कहा, अरे अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? अरे यार मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया इसको क्यों लाए यार? अरे आप तब से देख रहे हो कि टपर 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 करके जा रहा है। ए, मैं फ्रैंकलिन का भाई हूँ, तुम लोग नहीं। हाँ ठीक है। अरे छोड़ो भाई साहब, चलो जाते हैं घर। ओके लेट्स गो। चलो यार कम से कम इस पुराने गली को तो देख लिया। अरे यार पुराना गली मतलब यार क्या बोल रहे तू? अरे कोई नहीं कुछ नहीं यार, ठीक है चलो भाई। अरे यार ये भाई साहब बिल्कुल नहीं बदला है, चलो आ गए। अरे पैसा ज्यादा हो गया है क्या? अरे यार गलती से ठुक गया। अरे फ्रैंकलिन भैया। हाँ बोलो। फ्रैंकलिन भैया यार ये बहुत ज्यादा बोलता है। अरे यही है वो गरीब खाना। अरे यार क्रिस्टोफर गरीब खाना मत बोल यार, ये भाई साहब हमारे पापा का घर है। अरे पता है इसीलिए गरीब खाना बोल रहा हूँ। मुझे देखो मैं यहाँ पर लंदन से पढ़ के यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया, मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे तो क्यों आए? चुप कर जाओ नोबिता, चलो आ जाओ। ये भाई साहब बोरिया बिस्तर नहीं मिल रहा है बे। अरे चौप चौप देखो। ये भाई साहब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसको देखने के लिए। अरे वो कुत्ता अभी तक जिंदा है। ए भाई साहब कुत्ता किसको बोला बे? ए कलुए मैंने बोला था ना ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, देख बे भाई साहब। अरे हाँ यार मैंने सोचा था कि वो बदल चुका है बट नहीं यार। अरे इस कुत्ते को घर से भगाओ। अरे कैसा बात कर रहा है तू, तो लंदन चला जाएगा यार, यहाँ पे हम सभी लोग भाई साहब मिल बांट के रहते। आपने यहाँ पे घर नहीं है धर्मशाला खोल के रखा है, किसी भी अरे गहरे को यहाँ पे घर पे उठा कर लेके आ जाते हो। अरे यार अरे गहरे किसको बोला? अरे नहीं 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 सिंचन मुझे बोला। अरे तुझे बोला? अरे हाँ मुझे ही बोला पता है। अरे नहीं इस लंबे मुंह वाले बच्चे को। अरे फ्रैंकलिन मैं कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे हाँ यार सॉरी भाई साहब, चलो आ जाओ। अरे मैं क्या खाऊंगा? क्या खाना है बोल। अरे मुझे यहाँ पर बहुत सारा खाना चाहिए, चिकन चाहिए। ठीक है यार शिनचैन तुम लोग इसके साथ इंट्रोड्यूस करो, मैं जाता हूँ भाई साहब खाना बनाने के लिए। यार अगर ऐसे चलता रहा तो भाई साहब इन सभी के अंदर भाई साहब झगड़ा हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पता नहीं यार क्रिस्टोफर बिल्कुल क्यों नहीं बदला। चलो खाना बना लेता हूँ जाके। ए चुप। ए भाई साहब भाग बे यहाँ से, मुझे तेरे साथ बात नहीं करना। अरे तेरा ये गरीब का गरीबी घर, अरे क्या यहाँ पे तू लैट्रिन करता रहता है? ये भाई साहब ये लैट्रिन क्या होता है बे? अरे जिसको तुम लोग यहाँ पे पॉटी कहते हो। अरे यार ये लोग कितना ज्यादा बेवकूफ है। हे हे। अरे क्या हुआ? ए गरीब इधर आ। अरे देखो तुम अभी हद पार कर रहे हो। अरे हद तुम लोगों ने पार किया है, मेरे पापा का घर में रहने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हाँ जितना घर यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया का है उतना ही मेरा है। हाँ तो फिर मैं तुम लोगों को आदेश देता हूँ, चले जाओ घर से। अरे मतलब? अरे यार कैसा बात कर रहे हो, जब तक ना यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार ये फ्रैंकलिन भैया भी ना यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत यहाँ पे मुंह में मोल लेता है यार। ये भाई साहब जैसे कि तेरे को मुंह में मोल लिया बे। अरे कुत्ते क्या बोलता है तू? छोड़ो यार मैं कुत्तों के साथ मुंह नहीं लगाता। ये भाई साहब बटर जैसा मुंह तो तेरा है बे। अरे क्या? अरे यार देखो हम लोग यहाँ पे फ्रैंकलिन मैया के साथ सालों से रह रहे हैं
और तुम दो दिन आके यहाँ पर हम लोगों को नहीं भगा सकते। अच्छा, भगा के तो मैं रहूंगा ही। चलो मैं जाकर थोड़ा सा घर देख के आता हूँ। अरे नोबिता, ये कुछ ज्यादा हो रहा है यार। अरे हाँ, बहुत ज्यादा। अरे ये गरीब के गरीब, ये लोग यहाँ पे कैसे समझेगा यार। अरे सेम टू सेम वैसा ही घर, कुछ नहीं है घर में यार। चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अरे मेरे टकले के ऊपर गिर जाते तो फूट जाता, हॉस्पिटल चले जाते। अब ये मत बोलना कि तेरे पास यहाँ पे डॉक्टर दिखाने का भी पैसा नहीं है गरीब। अरे सिंचन, अरे फ्रैंकलिन मैं आपको आने दो, फिर बताता हूँ। अरे चलो मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ। अरे ये क्या, वही सेम बेड। फ्रैंकलिन का तो कोई यहाँ पर मतलब उन्नति नहीं हुआ है। अरे भाई पुराने फटे हुए। अरे क्या, ये तो मनी है। जिंदगी में मेरा तो एक ही उसूल है, खाने के लिए यहाँ पर खाना भाई, और जीने के लिए यहाँ पर मनी भाई। अरे कितना सारा पैसा है यार। ओ माय गॉड, ये तो लगभग 10 करोड़ है। मुझे वैसे भी लंदन जाना है, क्या लेके भाग जाओ। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसे ही भाग गया तो फिर फ्रैंकलिन भाई मुझे पकड़ लेगा, और उसका गुस्सा मुझे पता है। हाय डिया, घर से मैं इन लोगों को भी निकलाऊंगा, और साथ ही साथ पैसा भी मेरा होगा। ऐसी कब जुगाड़ में करता हूँ। अरे दोस्तों। अरे क्या दोस्तों? अरे हाँ दोस्तों यार, मुझे माफ कर दो यार, मैंने थोड़ा सा अंधा हो गया था। चुप। ए भाई साहब, तेरा ये मुखौटा मुझे नहीं देखना। अरे उसका बात छोड़ो यार, तुम लोग बताओ कि तुमने मुझे माफ किया है कि नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। अरे सॉरी यार, मैं तुम लोगों को मैं क्या बताऊँ यार, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर गलती से बोल दिया। अरे तुम एक सेकंड में ऐसे करके चेंज कैसे हो गए? अबे यार ये क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बस मतलब क्या बताऊँ। अरे ठीक है चलो, मैं तुम लोगों को मनाने के लिए यहाँ पर आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। अरे क्या आइसक्रीम? अरे क्या, अरे हाँ कितना खाओगे बोलो। अरे दो। अरे मैं तीन। अरे साथ ही साथ बर्गर भी खिलाऊंगा यार। अरे क्या सच में? ये भाई साहब जा ले बे। अरे चुप, तेरे लिए हड्डी भी लाऊंगा। ए भाई साहब, तो भाई साहब जाल नहीं है बे, जा जा। अरे यार पट गया। ओके जाओगे क्या? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे फ्रैंकलिन भाई। अरे हाँ बोलो। फ्रैंकलिन भाई मैं सिंचन और नोबिता को लेकर जा रहा हूँ यार आइसक्रीम खाने के लिए। क्या? अरे हाँ वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया है। अरे बहुत बढ़िया, जाओ मैं खाना बना रहा हूँ, तब तक भाई जाओ जाके तुम लोग करके आओ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चलो आ जाओ दोस्तों। चुप, जाना है क्या? ए भाई साहब बिल्कुल भी नहीं जाना है बे। अरे तो फिर यहाँ पे तुम रहो, मैं तुम्हारे लिए हड्डी लेके आता हूँ। अरे यार हम लोग तो क्रिस्टोफर भैया को बहुत बुरा भला बोल रहे थे, ये तो बहुत अच्छा निकले। अरे हाँ अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अरे कुछ बोला क्या भैया? अरे नहीं 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 यार, फ्रैंकलिन भाई ने ये क्या किया यार, गाड़ी ठोक के इसका हेडलाइट फोड़ दिया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ऐसा ही गाड़ी चलाता है। अरे यार मैं जब लंदन में रहता था ना। अरे आप कहाँ रहते हो? मतलब अभी भी लंदन में ही रहता हूँ, लेकिन लंदन में जब मैं रहता हूँ ना तो बाप मैं लंबोर्गिनी सियान चलाता हूँ। अरे क्या? अरे हाँ, जब तुम लोग कभी भी जाना ना तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा लंबोर्गिनी सियान कैसा होता है। अरे ठीक है यार। ओके तो बस चलो यार दोस्तों, भैया पे मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम लोग को आइसक्रीम शॉप में लेके आता हूँ। अरे ठीक है सीधा चलो। अरे क्या, इसका ब्रेक काम नहीं करता क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भैया का गाड़ी ऐसा ही है। अच्छा, अरे रुको वो देखो आइसक्रीम। अच्छा ठीक है यार। अरे क्या, कोई भी आइसक्रीम वाला नहीं है क्या? अरे यार बर्गर से ना। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ खरीद के लेके आओ, तब तक मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ तुम लोगों का। अरे ठीक है नोबिता चलो। ये दोनों यहाँ पर बर्गर्स ले रहे, मुझे यहाँ पे 10 करोड़ यहाँ पर हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 10 रुपए का तो बलिदान देना पड़ेगा ना। अब इन लोगों को भी नहीं पता कि इनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। लालची बंदर कही के यार, मुझे सबका मन जीत के यहाँ पर ठीक ठाक से करना होगा, वरना पकड़ा जाऊंगा फ्रैंकलिन भैया का मार भी। अरे चलिए क्रिस्टोफर भैया हो गया। अरे ठीक है चलो घर जाते, फ्रैंकलिन भाई हमारा इंतजार करता होगा। अरे हाँ चलो। ओके ठीक है चलो भाई साहब, अभी दिखाता हूँ यार यहाँ पे घर जाके मैं लोगों को घर से निकलने का बंदोबस्त करता हूँ। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो?
अरे कुछ नहीं यार, मैं बस यही बोल रहा हूँ। चलो ओ, अरे फ्रैंकलिन भाई का गाड़ी भी ना कितना घटिया है यार। अरे यार जैसा कि इंसान घटिया है वैसा ही यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया की गाड़ी भी घटिया है। क्या फ्रैंकलिन भाई घटिया है? ऐसा मत बोलो यार, ये वो मेरा भाई है। अरे हाँ सॉरी सॉरी, मैं गलती से बोल दिया। अरे आप तो हाथ तोड़ रहे हो। अरे ब्रेक नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ। हाँ चलो आ तो गए ना। अरे आप एक सेकंड में इतना बदल कैसे गए? अरे मैं भी इंसान हूँ यार सिंचन, कैसा बात कर रहे हो। चलो आ गया, आ जाओ यहाँ पे। फ्रैंकलिन भाई क्या कर रहा है जाके देखता हूँ। अरे ठीक है जाओ, तुम लोग जाके यहाँ पे देख के आओ, मैं तब तक यहाँ पे चॉप के साथ रहता हूँ। अरे चॉप का हड्डी लाना तो मैं भूल ही गया। अरे ठीक है ठीक है, चलो मैं जाके लेके आता हूँ, तुम लोग जाके यहाँ पर ठीक ठाक से यहाँ पर जो करो सब कुछ। अरे चलो वो दोनों चले गए, अगर नीचे से जाऊंगा तो फिर एक कुत्ता मुझे पकड़ लेगा देख लेगा। मैं इधर से जाता हूँ, इधर से एक नीचे जाने का रास्ता है, उसी रास्ते को पकड़ूंगा और उसी रास्ते को पकड़ के मैं नीचे जाऊंगा। अरे यार यही है वो रास्ता, बोलो क्या कर रहा है जाके देखूं। अरे रुको देख के आता हूँ। अरे अच्छा बोलो खाना के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, चलो जाके मैं पैसा को यहाँ पर हटा लेता हूँ। ठीक है चलो चलो यार, पैसा ही पैसा जिंदगी में, पैसा मनी भाई बहुत ज़्यादा कीमती है। चलो ले लिया है, अभी देखो क्या करता हो। सुनचैन, अरे फ्रैंकलिन मैं लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। अरे हाँ मुझे भी लगता है। अरे मैं जाऊँ? अरे हाँ जाके देख क्या। अरे ठीक है। अरे यार पता नहीं मुझे कौन बुला रहा है, चलो जाके देख के आता हूँ। अरे यार कौन है, नीचे से आवाज आया। अरे कौन है कौन है कौन है यहाँ पर? अरे यार कौन है, किसने बुलाया मुझे? अरे कौन है? अरे कोई भी तो। अरे क्या, अरे पैसा कहाँ गया? अरे पैसा कहाँ गया यार? अरे नहीं यही पर तो रखा था। मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, अभी मैं अपना प्लान के मुताबिक काम करता हूँ। अरे चॉप भी नहीं है, वाव। ए फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया। अरे यार क्या बात है? अरे फ्रैंकलिन भैया मैंने यहाँ पे क्या देखा पता है? अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, सिंचन नीचे एक कमरे में पैसा रखा है, उस कमरे में जाके पैसा को किसी आदमी को दे रहा है। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, वो खुद यहाँ पे पैसों का मतलब ख्याल रखता है? अरे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ फ्रैंकलिन भैया, आप खुद जाके देखिए। अरे यार क्या बात कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन मेरा गलत फहमी हो रहा है। अरे नहीं यार चलो आ जाओ, मेरा भाई मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे आप खुद जाके देखो, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा जुबान काट देना। अरे भाई साहब रुको देखता हूँ, जल्दी तुम लोग भी आओ। अरे यार रुको भाई साहब। अरे यार और पैसा था यहाँ पे कहा गया? अरे भाई साहब तू क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे बहुत सारा पैसा था यार, वो पैसा कहा गया? अरे यार कहा गया, मेरा मेहनत का इनकम। अरे यार मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है फ्रैंकलिन भैया की ये पैसों को चोरी करके यहाँ पर से किसी लोग को दे रहा था। अरे क्या, अरे बिल्कुल नहीं फ्रैंकलिन भैया। अरे मैं क्या झूठ बोलूंगा? अरे फ्रैंकलिन मेरा गलत फहमी हो रहा है। भाई साहब तुम दोनों यहाँ पे बाहर आओ, जल्दी से आओ। अरे हाँ आ रहा हूँ। अरे हाँ जल्दी से यहाँ पे आकर तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। अरे बताओ फ्रैंकलिन भैया, नोबुजा तुम इधर आओ, अब बताओ। अरे मैंने जब यहाँ पे आया था तो मैंने देखा कि सिंचन किसी लोगों को यहाँ पे पैसा दे रहा है फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्या आपका पैसा यहाँ पे दे सकता हूँ? अरे यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके भाई हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अपना जुबान काट देना यार। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। और आपको तो ये आते आते क्या बोल रहा था पता है? क्या फ्रैंकलिन भैया, ये आपको जब गाड़ी में मैं इसको आइसक्रीम खाने ले गया था तो वो बोल रहा था कि फ्रैंकलिन भैया जैसा घटिया इंसान यहाँ पे और नहीं है। क्या? अरे नहीं मैंने नहीं बोला। नोबिता है उसको पूछो। अरे हाँ बोला था बट ऐसा नहीं बोला था। मतलब बोला था ना तूने सिंचन? अरे मेरा मतलब था। चुप कर निकल जा मेरे घर से। अरे क्या भाई साहब ये ले। अरे मैंने क्या किया? तुम्हारी तो भाजे ऐसे की तैसे सिंचन, ये लो खुद के घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आता। अरे रुक जाइए फ्रैंकलिन भैया। और मारो इस चोर को, मैंने तो पहले ही बोला था। ये भाई साहब निकल जा, निकल जा मैंने कहा। फ्रैंकलिन भैया जिंदगी में पहली बार आपने मुझे मारा। सिंचन इसको गलत फहमी बोलते हैं,
अरे कोई गलत फहमी नहीं फ्रैंकलिन, मैं चाहते तो सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके देख सकते थे, लेकिन आपने मुझे मारा ना। मैं आप लोगों से यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगा फ्रैंकलिन भैया। अरे रुक जाओ शिनचैन, मैं यहाँ पर चोर हूँ ना, मैं आज के बाद कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे यहाँ पर मारा शिनचैन, रुक जाओ। तो फिर यहाँ पे फ्रैंकलिन का साथ यहाँ पे उसके भाई ने जो छल किया उसके बाद यहाँ पे वो सबके ऊपर भड़का दिया और शिनचैन यहाँ पे गुस्सा होकर जा रहा है। आगे क्या होने वाला है, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देना। पार्ट 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।